ओए ये तो कांड ही कर दिया भाई, भिड़े लोग, ये तो खतरनाक था। मतलब ये भाई साहब ने डायरेक्ट उसमें बॉम्ब लगाया था और उसके सर ही उड़ा दिया, खतरनाक। वेलकम बैक टू अंकल जेस गेमिंग भिड़े लोग। सो पिछले वीडियो में हमने देखा कि माइकल की बीवी कांड कर रही थी, माइकल वाले साइकिल की पूरी फटी हुई थी क्योंकि गुस्से में आके उसने जिसका घर तोड़ा था वो निकला एक बहुत बड़ा किंग पिन, यानी कि एक बड़ा गुंडा। और अब ऐसा होता है ना कि भैया गुंडे का तोड़ा है घर तो भुगतना तो पड़ेगा ही। तो अब वो भाई साहब ने आके इसको बोला है कि 2.5 मिलियन डॉलर्स चाहिए। तो माइकल बोल रहा है कि भाई अब क्या करेंगे, जो धंधे से रिटायर होने वाला था ये बैंक रॉबरी और इससे। सो अब उससे वापस से आके उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी कि वो छोड़ेगा नहीं अभी उस धंधे को। तो अब हम दो कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, माइकल और अपना मंगू यानी कि फ्रैंकलिन। सो फिलहाल अभी माइकल हमारे पास में आया हुआ है और इसके मिशन हैं। सो देखते हैं कि माइकल का क्या मिशन है अभी। माइकल थक तो बड़ा जल्दी जाता है, इसका स्टैमिना भी बढ़ाना पड़ेगा भाई, नहीं तो क्या है इधर उधर जाके मर वर गया तो लोचा हो जाएगा। तो अब ये देखते हैं, यहाँ पे एक है हम लोग कहाँ, यहाँ है, ये माइकल का घर दिख रहा है। तो चलो माइकल के घर पे चल के देखते हैं क्या हो रहा है, मैटर मैटर क्या है। माइकल के घर पे चल के मैटर सॉल्व करते हैं। वॉच इट, ऐसा खाली रास्ता रहा तो थोड़ी कार चलाने को जम जाती है, 100% तो नहीं जमती है बट वेल। अरे गाड़ी अच्छी दिख रही थी, ये औड़ी वौड़ी निकालो यार, ये माइकल को मतलब औड़ी चलवा रहे हैं यार। तो अच्छी स्पोर्ट्स कार हो तो इसका भी मजा आए। वो भी नहीं अच्छी थी, देखेंगे अभी माइकल के लिए अपन ढूंढेंगे एक पोर्शा वर्षा ढूंढते हैं भाई लोग। ये भी रेड में वाइट वाली भी पोर्शा नहीं थी। तो माय मनी वेयर इज इट, डू यू वांट मी टू विजिट यू अगेन, नेक्स्ट टाइम विल बी सो मच वर्स। हाँ ठीक है भाई, लाना तो पड़ेगा ना अभी इसको, 2.5 मिलियन डॉलर्स देने हैं। बस साला निकल गए, फरारी उड़ा लेते नहीं तो अपन। ये कौन सी है, चलो ये दीदी की गाड़ी लेते हैं। अरे अंकल है तो दीदी नहीं है, बाल बड़े वाला। चल हट हट, थोड़ी तो अच्छी दिख रही थी ना गाड़ी भाई, और अच्छी थी लेकिन ठीक है फाइन। ये ब्लैक वाले गाड़ी से बोर हो गया था मैं माइकल की, यानी कि ऑडी से, ऑडी ऑडी। अच्छा आप घर में चलो और गाड़ी पार्क कर दो गैराज के अंदर और भाग लो ताकि पुलिस वाले ना पकड़े। अब यहाँ पे क्या कांड हो रहा है यार, माइकल की बीवी तो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा करती क्या है, मतलब जब देखो कांड ही कर रही है यार। अच्छा पूरा दिन खत्म हो गया और माइकल आके बैठ के आराम कर रहा है, चिप्स खा रहा है। तो चलो आगे देखते हैं इसका कुछ नया मिशन आ रहा है क्या। I got just the thing to show you. अच्छा बाइक रेंटल स्टैंड अप, क्या इसका लड़का क्या ये बाइक वाइक रेंट पे ले रहा है। ओहो और कोई आ गया क्या। चलो देखते हैं माइकल का लड़का कहाँ लेके जा रहा है। If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. यार वो भी ले ली तो भी इन लोगों ने यही वापस से पहुंचा दी यार, क्या मतलब हो गया गाड़ी चोरने का। अच्छी गाड़ी ली थी यार, चलो ठीक है चले हट। चलो भाई गाड़ी चोर के भी मतलब नहीं है अभी तो समझ में नहीं आ रहा। आगे से शायद लेफ्ट टर्न है, यस तो यहां से लेफ्ट टर्न है। शिट एंड शॉट मत कर भाई, हमको निकलने दे, बोर हो रहा है भाई। ये लंबा गाड़ी चलवा रहे, एक तो गाड़ी चोरी करी मिली नहीं तो मूड ऑफ हो गया यार। कम ऑन, मतलब इतने प्यार से गाड़ी चोरी करी थी, उसको दो कान के नीचे भी लगाए थे। तो ये आ गए हम बाइक स्टैंड पे, तो अब यहाँ क्या है देख लेते हैं। आगे जाके पार्क करनी है गाड़ी। Here we are, the bike rental place. Okay. Please don't shoot the bike rental guy out of like
force a habit. जो यहाँ पे बाइक रेंटल गाय के पास में है, बाइक यानी कि साइकिल की बात कर रहे हैं लगता है, माइकल वाला साइकिल है क्योंकि साइकिल वाले माइकल, माइकल वाले साइकिल, आखिर में आए गए ना साइकिल पे माइकल। चलो भाई ये ले लेते हैं। If I beat you to the end of the pier, you're buying me a new TV. End of the pier, fine. But if you lose, you're gonna do something with your life. Give it up, Dad. You've gone to sea. In this kind of condition, a triathlon would kill you. अरे पर कहाँ जाना है? रास्ता तो बता भाई। I'm gonna gas in your face. Oh, you've been in the ocean? I am just dripping sweat. I gotta video this and send it to your mom. वाह वाह, माइकल तो साइकिल बढ़िया चला रहा है। देखते हैं। Here we come. You're not button mashing now, kid. Cycling will improve your general stamina. अच्छी बात है, यहाँ पे रास्ता तो दिखा रहा है और हमारा स्टैमिना भी इम्प्रूव हो रहा है साइकिलिंग से, तो अच्छी बात है। माइकल के लड़के को तो हम पीछे धूल चटा चुके हैं, स्पीड से निकले हैं, थोड़ा सा अभी स्लो कर लेते हैं, ज़रा प्यार से चलाते हैं। कहाँ से निकल रहा है कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। ये पीछे से है, यहाँ है, यहाँ से जाना है। ये माइकल का लड़का अभी आगे निकल चुका है क्योंकि मुझे रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, तो और ये यहाँ से आगे निकल के ओके अभी इधर है। माइकल की पड़ गई है क्योंकि ये तो अभी लगता है माइकल का लड़का जीत जाएगा क्योंकि रास्ता नहीं समझ में आया था और लास्ट में ये माइकल बरोबर लास्ट में आके ये वाट लगती है माइकल के। चलो लो, चलो बच गए, थोड़ा सा स्टैमिना फिर आ गया, फिर गया। अरे बनकर पैदल चल, आराम से चल, आराम से चल। तो हम जीत चुके हैं। तो माइकल के फट गए भाई लोग पूरी वापस से, मतलब माइकल ऐसा पहलवान दिखाया है जिसको साइकिल चलाने नहीं आ रही, स्टैमिना ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब घर में बैठ बैठ के बैंक रॉबरी के बाद में लगता है भाई साहब ने कुछ काम ही नहीं किया। तो चलो सुनते क्या बोल रहे हैं। Why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt? भाई माइकल का लड़का तो ऐसा दिखाया, खतरनाक जंगली दिख रहा है, पूरा जंगली, खतरनाक जंगली दिख रहा है। That's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. I'm sorry, but it's true. तो खानदानी ऐसा दिख रहा है कांड वाला। She's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. No, so ये अपने बहन के ऊपर है ना चिकन मारने के लिए लेके आया था। So अभी देखते हैं क्या होता है। माइकल को समझ गया काई को लेके आया ये। Wait. If you do go, don't say I told you. अभी ये swim to the yard है। स्टॉप कहाँ से है, लेकिन पहले एल दबाओ और फिर ये दबाओ, तो भी नहीं जा रहा और ये ऊपर जा रहा है, अभी स्विम तो नहीं कर रहा, तो हटा दिया। चल भाई ऊपर चल, चल ना ऊपर चल, पहुँच गया। तो भाई लोग अभी हम स्विमिंग करते करते पहुँच रहे हैं, ये माइकल की लड़की भी कांड कर रही है, बीवी भी कांड कर रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, खानदानी प्रॉब्लम दिख रहा है इनका तो कांड वाला। एनीवेज अब हम पहुंच रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे माइकल को क्या और देखने को मिलता है, कैसे कैसे कांड। तो यहाँ पे ये बैठी है शायद माइकल की लड़की। ओके भाई साहब, ले डायरेक्ट गुस्से में पप्पा ने फेंक ही दिया है ये। Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude.
They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was what? Your house? Yeah. Killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Shit, ain't cool, man. What are you doing? Hey. Fuck, man. I like him. माइकल तो बॉस बड़े गुस्से में आ गया और उसकी लड़की बोल रही है कि मैं ये सब कांड कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन वेल ठीक है। ओके, लगता है अभी ये इसके ऊपर अपने रेस होने वाली है भाई। लगा ही था मुझे एक्स्ट्रा रहेगी, तो अब हमको चलना कहाँ है। तो चलो भाई लोग, अभी फिलहाल तो हमको ये टनल के अंदर जाना है, छोटा सा जो आउटलेट है। अरे यार, चलो तो पीछे पड़ गए यार, गोलियां मार रहे हैं खटाखट खटाखट। लूज द परसुअर्स, तो इन लोग को बेसिकली अभी जो हमारा पीछा कर रहे हैं उनको हमको गायब करना है, यानी कि अपने आप को गायब करना है, तो वो भी गायब हो जाएंगे। एक तो ये गाड़ी चलाना बोला तो जान पे आ रहा है, यानी कि मुश्किल पड़ रहा है, और ऊपर से ये यार क्या है, मतलब कंट्रोल्स खतरनाक है इसके। यहाँ से भागते हैं और इधर से जाके निकलते हैं। लुक्स लाइक दिस इज द वे आउट। इसको तो सारे रास्ते आउट ही दिख रहे हैं, अभी इनका कुछ नहीं दिख रहा। इसको क्या बोल रहा है वो, एक अकेला जाके वहाँ पे रुका हुआ है ताकि हम लोग यहाँ से निकले तो पीछा कर ले। ओए ओए ओए, साइड में। हाँ चलो, थोड़ा सा तो कंट्रोल आ रहा है इसका, थोड़ा आ रहा है, 100% तो नहीं आ रहा है। और देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ से निकल के। ओके, तो यहाँ से हम अंदर से बाहर आ चुके हैं, पर वो अभी भी हमारा पीछे कर रहे हैं। स्पीड बोट्स आ रही है यहाँ पे काफी सारी। ओहो, तो यहाँ से अंदर निकल के देखते हैं कहीं छुपने को जगह मिल रही है। तो बच गए, बच गए। चलो भाई लोग बच गए, नहीं तो और पता नहीं इसके मिशन का क्या सीन था। अब कहाँ जाना है? Go to the shore. इसको हम बचा तो चुके हैं और अभी हमको शोर पे जाना है, यानी कि वापस से इसके भाई के पास जाना है। तो अभी सीधा सीधा चल के आगे से जो येलो डॉट दिख रहा है वहाँ पे मैप पे, चलते हैं वहाँ पे और इसके और लेके चलते हैं इसके भाई के पास में। बाप बेटा हुआ, बाप और बेटी का फुल झगड़ा चालू हो गया कि क्या नाटक है, क्या नाटक है। ओए होए होए होए, क्या झगड़े चालू हैं। कांड वो कर रही है, इसने जाके बचा है तो बोल रही है कि नहीं तुमने बचाया नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, बस ठीक है सब वैसे वैसे ही हैं। तो अब हम चल रहे शोर की तरफ, यानी कि माइकल वाले साइकिल के लड़के की तरफ। आखिर में माइकल से साइकिल चलवा ही लिया गेम में। तो देखते हैं अभी शोर कहाँ से है, यहाँ से है या और कहीं से है। तो दिख तो यहीं से रहा है। ठीक, तो यहीं से रहा, जाना है तुमको। तो यहाँ गाड़ी लगानी है शायद, यहाँ लगानी है, आगे लगानी है, देखते हैं कहाँ लगानी है गाड़ी, यानी कि ये जो भी है। आना भाई, अच्छा ये लड़का इसका यहाँ खड़ा है तो यहाँ लगानी है जाकर। अच्छा, तो अब ये क्या होगा कि इसके भाई ने आके इसको बता दिया था कि ये यहाँ पे है ना, तो ये भाई को गाली दे रही है और फुल बहन भाई के बीच में झगड़े चले, फुल फैमिली मैटर भाई लोग।
told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. तो बेटी नाराज हो गई है, बेटा पहले से नाराज था, माइकल का बैंड तो कल से बजा हुआ ही है, जाके बीवी धोखा दे रही है, तो माइकल की बेसिकली लाइफ बहुत सैड हुई हुई है। और माइकल को समझ में नहीं आ रहा कि उसने करना क्या चाहिए करके, तो अब यही सोच रहा है माइकल कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, अब ये कैसे सुधारूँ सबको। एक तो उसको भाई साहब को 2.5 मिलियन डॉलर्स भी भरने हैं जो घर तोड़ा था उसके, तो मतलब कांड कोई और कर रहा है और बेचारा माइकल भर रहा है वो। रैपिड जीटी हैज बीन इंपाउंडेड, व्हीकल कैन बी रिकवर्ड एट दिस फॉर अ स्मॉल फी। तो भाई साहब ये माइकल के शायद गाड़ी हो चुकी है इंपाउंड, और देखना पड़ेगा अब क्या है। तो यहाँ पे एक ये है, यहाँ पे मैप पे देखते हैं अभी क्या मिशंस हैं और माइकल के। एक यही दिख रहा है माइकल का फिलहाल का तो मिशन पास वाला, और एक ये दूर वाला दिख रहा है एल लेस्टर। तो चलो माइकल को लेके चलते हैं लेस्टर के पास में, देखते क्या होता है। हाँ चलो, तो क्वेश्चन मार्क पे मेरे को लग रहा है वो माइकल को एक मैराथन या कुछ ऐसी भागनी है, और फिलहाल अभी कैसा है कि अगर ये आप देखेंगे तो माइकल का स्टैमिना कुछ लेवल पे ही नहीं है। यहाँ पे अपना इसका देखो, फ्रैंकलिन का स्टैमिना देखो और ये माइकल का देखो, तो ये थोड़ा इसका भगा भगा के माइकल का हमको पहले स्टैमिना वगैरह थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो कुछ हो सकता है। और जब तक माइकल का स्टैमिना बढ़ता नहीं है, उसको वो कोई भी ट्रायथलॉन रेस वेस जो भी होगी उसमें पार्टिसिपेट करवा के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई साहब को लास्ट में ही बरोबर हार्ट अटैक आता है। तो क्या गेम बनाया है खतरनाक, मतलब आदमी को पूरे रेस में लगता है भाई मैं जीत रहा भाई मैं जीत रहा भाई मैं जीत रहा, और पता चलता है नहीं, लास्ट में पहुँच के हार्ट अटैक आ गया है और माइकल जाता है टपक। तो फिलहाल माइकल का स्टैमिना है 60 के ऊपर, अपने को कुछ भी करके उसको धीरे धीरे पहुंचाना है 100 पे, तो मे बी 2-3 दिन में पहुंच जाएगा जैसे भी। तो देखते हैं अभी, यहाँ से फिलहाल कोई एक आधी कार उड़ानी पड़ेगी पुलिस वाले की, उड़ाने की चलो पुलिस वाले की कार उड़ा लेते हैं। चलो चलो भाई लोग, तो अभी हमने पुलिस वाले की कार चोरी कर ली है, क्या करेंगे, मतलब दिख गई सामने तो यही ले लो। इसमें कुछ होता है क्या, सायरन वायरन चालू करने के लिए? नहीं, कुछ सायरन तो नहीं हो रहा है चालू, नहीं तो मैं वो भी कर देता था। चलो अभी यहाँ से हम चल रहे हैं माइकल को लेके। अच्छा, तो माइकल को कार के अंदर उसको ये ऑप्शन नहीं है, पावर उसकी भी ये है स्लो करने की, लेकिन वो कार चलाते टाइम पे स्लो नहीं होती है। अभी हम माइकल को लेके चल रहे हैं लेस्टर के पास में। You got lucky, buddy. और यहाँ से टर्न है, तो देखते हैं अभी लेस्टर क्या बोलने वाला है। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब गेम में क्या हो रहा है, अचानक से कुछ भी हो रहा है, ये बॉट्स तो बहुत ही परेशान कर रहे हैं। मतलब देखा, वो उसने जबरदस्ती गाड़ी रुकाई थी, तो यहाँ से अपने को टर्न लेना था, सॉरी। तो ये अभी टर्न लेके हम चल रहे हैं लेस्टर के पास में। लेस्टर भाई क्या बोल रहा है लेस्टर भाई, देखते हैं। तो देखते हैं भैया लेस्टर का क्या सीन है और कौन है लेस्टर। ओए हाय, तो मेरे ख्याल से लेस्टर वही है इसका जो बैंक रॉबरी में इसके साथ में जो बंदा था वो। और देखते हैं अब क्या बोलता है लेस्टर। ओके, लेस्टर कोई हैकर वैकर दिख रहा है मेरे को तो यार, because you came here, why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done. You need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. तो ये basically इसको जो पैसा बनाना है अभी ये लेस्टर को बोल रहा है कि भाई लेस्टर पैसा बनाना है, पहले का भूल जा वगैरह वगैरह, जो स्टैंडर्ड अपनी बॉलीवुड स्टाइल स्टोरीज जो होती है वो है। I know you never betrayed me. As for you, you got to figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more.
Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. What the hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. चलो तो देखते हैं इसका क्या है. वाइनवुड के स्टोर में जाके जरा अभी वाइनवुड के स्टोर में जाके अभी जरा अपने को कपड़े वपड़े बदलने पड़ेंगे. तो देखते हैं अभी क्या हो रहा है. अभी कार नहीं लेते हैं, थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ाने को देखते हैं माइकल का. वैसे तो मस्टैंग भी अच्छी थी, ले लेते हैं मस्टैंग लेते हैं यार. चलो बड़ी है तो ले लेते हैं और क्या. ऐसी पड़ी है क्यों. चलो भाई मस्टैंग में चलेंगे. अमेरिकन मसल. थोड़ा सा दूर जाना था ना तो मैं बोला चलो मस्टैंग ही ले लेते हैं. यहाँ से राइट टर्न है और अभी हम चले वाइनवुड के शॉप में, जहाँ पे जाके थोड़ा सा अभी हमको कपड़ा कपड़े लेने हैं माइकल के लिए, उसका कुछ जो भी मिशन आया है उसके लिए. चलो देखते हैं, यहाँ तो लगा के देख लेते हैं वो गाड़ी. और यहाँ पे जाना है शायद सबअर्बन में. तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल रहे हैं कपड़े बदलने के लिए. एक्सक्यूज मी. तो माइकल का बेसिकली जो अभी मिशन है उसके अंदर उसको कपड़े चेंज करने हैं. गीकी यूज़फुल. That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. ठीक है, तो अभी ये जैसे होगा. चल भाई बोर मत कर, अभी हम यहाँ पे चल के देखते हैं कपड़े क्या है. क्या है भाई, कुछ ऐसे ढंग का तो नहीं दिख रहा. ये थोड़ा सा ठीक है, ये ठीक है वैसे तो, पर ये गीकी ज्यादा दिख रहा है ना, तो ये ठीक है. Dignity aside, I think that might just work. Good luck at the interview. ओके. तो माइकल ने कपड़े बदल लिए हैं और अब हमको जाना है दूसरी जगह पे. हम चल रहे हैं हमारे मस्टैंग में. मस्टैंग. अरे दरवाजे क्यों नहीं बंद कर रहे, तोड़ ही दिया दरवाजे. Michael, I'm all dressed up. Now you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. ये माइकल वाला साइकिल का कर रहा है. तो अभी अब बेसिकली मिशन ये है कि माइकल को कहीं पे जाके कुछ कांड करने को बोला है लेस्टर ने. तो हम वहीं पे ऑफिस में जा रहे हैं और उसको ये कपड़े चेंज इसीलिए करने को बोले थे ताकि वो ऐसा थोड़ा सा गीक और पड़ाकू लगे. मेरे को तो नहीं लग रहा है वो देख के कपड़े. अगर आपको ऐसा लग रहा है तो डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए. और दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. आपके जो लाइक्स और सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उससे और नए वीडियोस बनाने के लिए. और अगर आपकी कोई इच्छा हो, अगेन जैसा मैंने काफ़ी बार बोल चुका हूँ, मैं कोई अगर आप चाहते हैं मैं गेम खेलूँ स्पेसिफिक, जो आपकी कोई इच्छा हो कि भैया आप नहीं खेल पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं खेलूँ, तो मैं डेफ़िनेटली चेक करूँगा मेरे सिस्टम पर वो चलता है तो. और अगर चल रहा है तो मैं डेफ़िनेटली खेलूँगा, मैक्सिमम लोगों की जो चॉइस होगी. सो इन द मीनवाइल प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. वीडियो इम्प्रूवमेंट करने की सजेशंस भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि उस पर वर्क करूं.
यानी कि काम करूं। और अभी हम ये पहुंच रहे हैं इसके ऑफिस में। ये एल जो दिख रहा है शायद यहीं जाना है अपने को शायद, हाँ लगा ही था मुझे। तो लो हम ऐसी गाड़ी लगा देते हैं, गो टू द रियर एंट्रेंस। तो अब इसके रियर एंट्रेंस पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। लाइफ इन्वेडर। Do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. I'm totally becoming a tech. तो अभी प्रोग्रामर को हमको फॉलो करना है यहाँ पे, जो मिशन मिला था। देखते हैं इसमें क्या मिशन में क्या करना है और क्या नहीं। तो फिलहाल तो हम प्रोग्रामर को फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं ये क्या बताता है। नए कांड, मुझे लग रहा है कुछ गेमिंग कंपनी या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है। I'm going to take a normal time to dock around. Vader cafe. Bol bhai. Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. This is a filthy hard drive, bro. Got any antivirus software? I think so. Behind. And that should do it. तो बेसिकली ये प्रोग्रामर के कंप्यूटर पे एंटीवायरस रन करके हमने जो वायरस आ गया था वो निकाल दिया है। अभी तक हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो अभी प्रोटोटाइप लगाने के लिए हमको जाना है आगे इस रूम में, यहाँ से देखते हैं। पहुंच चुके हैं ये रूम के अंदर जहाँ पे ये अभी जो इसमें बोला था वो प्रोटोटाइप जो दिया है, इसका जो मिशन है वो करते हैं। शायद कुछ डेटा छोड़ने वाला है ये, यानी कि लेस्टर। लेस्टर और वो फुल, अरे यार बैग क्यों छोड़ के चला गया, मंद आदमी है यार, बैग तो नहीं छोड़ना चाहिए था। हद हो गए। वाह वाह सब सही दिखाए। तो अभी हमको बोला कि बिल्डिंग से बाहर निकल जा, तो अब हम निकल रहे हैं। ठीक है, तो अब आ रहा है कि वॉच द कीनोट एट माइकल्स हाउस। तो अभी हमको शायद चलना है माइकल के घर पे साइकिल चलाते हुए। ये खाली कार पकड़नी पड़ेगी इधर से। चलो मस्टैंग अपनी पड़ी है, तो अब मस्टैंग निकाल लेते हैं वापस से। टूटी ताटी है बट ठीक है। तो अब हम लेस्टर को बोल देंगे, भैया हमने कर दिया है तेरा काम। The thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend. Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry. The phone is rigged. तो अभी हम चल रहे हैं माइकल के घर पे। They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic. तो बेसिकली माइकल के घर के पास में था वो ऑफिस। Now it's just superheroes, romantic comedies and remakes. और ये हम आ गए माइकल के घर पे। Hey. I believe this country can still make it. बहुत ऐसा डिफिकल्ट मिशन तो नहीं लग रहा था यार, सिंपल मिशन ही था। और ये गाड़ी इसके गैराज में लगा देते हैं ताकि ये गाड़ी सेव हो जाए। बाद में अगर ये सेव हो गई तो फिर हम चल ना भाई। ओके तो अब देखते हैं इधर क्या कीनोट है। क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फुल ऑन रेड अलर्ट वर्ल्ड डोमिनेशन। ओए निकल फोन निकल। The Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small. Hold on a second. I think someone's trying to talk with me. Okay. Hello. ओए ये तो कांडी कर दिया भाई। भिड़े लोग ये तो खतरनाक था, मतलब ये भाई साहब ने डायरेक्ट उसमें बॉम्ब लगाया था और उसका सर ही उड़ा दिया। खतरनाक सही है भाई, इसको बोलते डेंजरस मिशंस। मतलब अब इसको मर्डरर बना दिया उसने, लेस्टर ने, क्या बदला ले रहा है। तो भाई लोग अपना ये मिशन पास हो चुका है और लेस्टर ने माइकल के साथ कांड किया। तो बेसिकली मुझे गेम में अभी तक ये समझ में आ रहा है कि जो मिल रहा है वो माइकल के साथ में साइकिल ही चला रहा है, यानी कि माइकल को चूना ही लगा रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो तक। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगले वीडियो तक के लिए चाओ।